हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप ये आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम डेट के बारे में। बात करेंगे कि 18 जुलाई को आपका पेपर होगा कि नहीं होगा। कल रात को मैंने जो आपको अपडेट दिया था, क्या वो न्यूज़ रियल है या फेक है? अगर 18 जुलाई को आपका पेपर हो रहा है तो अब जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, और इस बार के एग्ज़ाम में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे? अगर 18 जुलाई को आपका पेपर हो रहा है तो मात्र आपके पास जो है 30 दिन के समय बच रहे हैं। इन 30 दिनों में आपको जो है कैसे तैयारी करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें। तो चलिए मैं आपका सारा डाउट क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, कल रात को मैंने जो आपको अपडेट दिया था वो न्यूज़ बिल्कुल रियल है। फेक न्यूज़ मैं कभी देता ही नहीं हूँ। काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो हैं लाइक व व्यूज के लिए क्या क्या न्यूज़ देते हैं, फेक न्यूज़ काफ़ी लोग बता रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं, 18 जून आज की अपडेट है, ठीक है? आज की अपडेट है, बीएड में दाखिले के लिए 18 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं आई है। तो देखिए, अभी भी नोटिस वहाँ पे अपडेट नहीं की गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? बट ये आज की न्यूज़पेपर में है, ये तो फेक हो नहीं सकता। आप लोग हर जिले हर पेपर में आप लोग ये न्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए इसको मैं रीड करता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि इस बार के एग्ज़ाम में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे। काउंसलिंग वगैरह के बारे में आपको भी बताऊँगा। बीएड में दाखिले के लिए 18 जुलाई को संयुक्त तो प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को संशोधित प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहले बीएड प्रवेश परीक्षा 19 मई को जो है आयोजित होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से जो है इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है? 5 अगस्त को प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, ठीक है? 5 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? और 10 अगस्त से दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। 10 अगस्त से यानी कि 5 दिन बाद आपकी जो है काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और 30 अगस्त से शैक्षिक सत्र की शुरुआत होगी। 30 अगस्त से जो है आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में करीब 6.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी कि पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीते साल करीब 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिए थे और इस बार 6.25 लाख, ठीक है? तो 2 लाख इस बार जो है अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन थोड़ा हाई होगा। दाखिले के लिए आवेदन किया था और बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी गई है, यानी कि पिछली बार का जो एग्ज़ाम है वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी करवाई थी और इस बार का भी एग्ज़ाम जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी ही करवाएगी। यही नहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार ऐसे कॉलेज जिन्हें 31 जुलाई तक बीएड कोर्स चलाने की संबद्धता दी जाएगी वह काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। 10 मई तक संबद्धता पाने वाले कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। बीएड कोर्स की 2.25 लाख सीटें हैं, 2 लाख जो है इसमें सीटें हैं, 2.25 लाख, और इसमें जो है 10,000 सीटें गवर्नमेंट हैं, बाकी प्राइवेट सीट हैं आपकी, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब जो है एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। देखिए, पोस्टपोन अगर तीसरी लहर नहीं आती है, कोरोना महाराज नहीं आते हैं, तो आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन नहीं होगा। और एक चीज़ और है, जैसे 18 जुलाई को आपका पेपर है, इसी डेट को लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम नहीं पड़ता है, तब आपका पोस्टपोन नहीं होगा। अब जो है आपका एग्ज़ाम 100% 18 जुलाई को ही होगा। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि अब आपको इन बचे हुए 30 दिनों में कैसे तैयारी करना है, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा। अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बुक्स वगैरह नहीं लिए हैं, तो अब वो लोग प्रेशर में होंगे कि हम कैसे तैयारी करें इन बचे हुए दिनों में। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे द्वारा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? मैं तो सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, बट सिलेबस कंप्लीट करवाते करवाते आपका एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक आ जाएगा। अगर आप लोग आज से ही तैयारी करना चाहते हैं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं कि हम अपने द्वारा जो है सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। मात्र आप लोग 149 रुपये में आप लोग घर बैठे अपने मन मुताबिक सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। फ्रेंड्स, ये 471 की पेज की ये PDF है, इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका GK GS हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, एंड
रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सभी वर्गों के लिए हैं, चाहे आप लोग कला वर्ग से हों, विज्ञान वर्ग से हों, कॉमर्स वर्ग से हों, कृषि वर्ग से हों, सभी वर्गों के लिए हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज। जैसे जीके में सबसे पहले हिस्ट्री इसमें बताया गया है, हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। काफ़ी सारे लोग इसे परचेज भी कर लिए हैं, तो आप लोग भी जाके परचेज कर लीजिए अगर आपको फ्री सीट लेना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही इसमें 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। इसे परचेज कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सबसे पहले लिंक आपको दिखाई देगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें आपसे नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ठीक है। उसे फिलअप करने के बाद पेमेंट आप लोग करेंगे, पेमेंट यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसका पासवर्ड भी वहीं पर रहेगा, तो उसकी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पासवर्ड उसमें मांगा जाएगा, और इस पीडीएफ को आपको किसी अदर पर्सन को शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका पासवर्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ डाउट है, बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी लिख सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, यहां पे देख सकते हैं, जाके फॉलो कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ठीक है। तो तैयारी में जुट जाइए, 18 जुलाई को ही आपका पेपर होगा। बिल्कुल रियल न्यूज थी, मैं कभी भी आपको फेक न्यूज नहीं देता ना दूंगा। काफी सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि आप लाइक व व्यूज के चक्कर में क्या क्या कर लेते हैं, बिल्डिंग तो मैं खड़ी नहीं कर लूँगा इतने में, ठीक है। तो बिल्कुल रियल न्यूज है। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।